अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद का एक और दिव्य औषधीय पौधा जिसका नाम है शतावर या शतावरी के नाम से हम उसे जानते हैं। बॉटनिकल हम उसके एस्परेगस रेसिमोसस इसको बोलते हैं। तो आइए एस्परेगस के विषय में हम जानकारी लेते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ जब विदेश यात्रा पर हम थे, विदेश में हमने देखा कि कुछ पहचान ही सी इसकी जो ताज़ी टहनियाँ जो है वो मोटी मोटी इस तरह की इसी की प्रजाति होती है वो। तो हमने कहा ये क्या है स्परेगस, मैंने कहा ओहो शतावर, शतावर का जो औषधीय गुण है कहीं हम आज उतने हमारी जानकारी में हो ना हो, आज शाक के रूप में विदेशी लोग इसको अपना रहे हैं, हमारे देश में भी कहीं कहीं देखा देखी में ये प्रचलन में आना शुरू हो गया है। यह आयुर्वेद में ऋषियों के द्वारा प्रोक्त एक बहुत बहुत ही अच्छी ये दिव्य औषधि है। तो आइए इसका जो परिचय है, पहचान है, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये शतावर का हमारा खेत है, ये लगभग यही 2-2.5 फीट इसकी हाइट होती है। इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद फूल भी आते हैं और पकने के बाद हरे कच्चे बीज हरे होते हैं, पकने के बाद में छोटे छोटे दाने लाल लाल हो जाते हैं, फल भी इसमें आते हैं। और ये सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है कि इसके अंदर ये जो कंद है आप देखेंगे ऊपर से तो कांटेनुमा झाड़ी है, नीचे इस तरह के कंद इसमें लगते हैं। अभी हम बैठे हैं पतंजलि योगपीठ का जो औषधि उद्यान है, हमारी वाटिका में ये लगा हुआ शतावर का जो हमने एक जड़ उखाड़ करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक जड़ के अंदर काफ़ी शतावर होती है और आप इसको देख सकते हैं ये अंदर से पूरा ये सफ़ेद होता है, सूखने के बाद में ये थोड़ा पतला हो जाता है, हल्का सा पीलापन लिया हुआ जो चिकना सा शतावर होता है उसको सर्वोत्तम माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा औषधि है, बहुत गुणप्रद है और आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, विशेष करके जितने भी जो बीमारियां, व्याधियां, कमजोरी जन्य, क्षण जन्य, धातु दुर्बलता है, किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक क्षणता है, निर्बलता है, उसके लिए आयुर्वेद में इसका वर्णन है। और ये बहुत दिव्य औषधि है जिसको किसी भी औषधि से शारीरिक शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही हो वह इस शतावर के सेवन से शक्ति प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए इसको आप सुखा करके या सूखा हुआ पंसारी के यहाँ मार्केट में मिल जाता है, उसको ला करके पाउडर करके मिश्री मिला करके एक चम्मच प्रातः सायं यदि सेवन कर लें तो निश्चित रूप से आपको इससे पूरी शक्ति मिलेगी, ताकत इससे प्राप्त होगी और जो आपकी कमजोरी हो दूर हो जाएगी। और एक इसमें बहुत जो दिव्य औषधीय गुण हैं, बहुत सारे लोगों की जो अनिद्रा की जिनको शिकायत है, नींद कम आती हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आप उस स्थिति के लिए इसको शतावर को आप पाउडर कर लें और दूध में उस पाउडर को खीर की तरह से पकाएं, लगभग 10 ग्राम पाउडर को आप यथेष्ट दूध डाल करके उसको आप अच्छी तरह से पका लें, जब खीर की तरह से वो तैयार हो जाए थोड़ा सा शुद्ध घी डाल करके आप उसका सेवन करें, आप देखेंगे इससे बहुत गाढ़ी नींद आती है, अच्छी निद्रा आती है और शारीरिक क्षमता और शक्ति को भी आप इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। और रात की रतौंधी एक ऐसी बीमारी है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों को इसकी परेशानी है। इसकी जो कोमल जो टहनियाँ हैं उसको तोड़ करके या इसकी जो कोमल पत्तियों को लेकर के यदि आप साग की तरह से सेवन करते हैं तो उस साग से रतौंधी में ये लाभप्रद माना गया है। तो रतौंधी रोग वाले इसका सेवन अवश्य करें। इसके अतिरिक्त ये अत्यंत पौष्टिक है तो कमजोरी वाले रोगियों के लिए भी यह अत्यंत लाभप्रद है, बहुत अच्छा है, आप सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये बता रहे थे आपको कि जो शतावर है वास्तव में ये आप देख रहे हैं इसके अंदर शतशह कंद हैं और बहुत सुंदर है। अभी इसके अंदर
मिट्टी लगी हुई है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, इस मिट्टी को धो दें तो ये बहुत साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। और ये पौधे को भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं और खेत भी आप देख रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये शतावर का हमारा खेत है। इसके अतिरिक्त जिसको स्वर भंग, कभी कभी आवाज़ जो है भंग हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, उस स्थिति में शतावर और जो खरेटी बला के बीज का पाउडर करके शहद के साथ चाटने से तुरंत उसमें लाभ होता है। यह पौष्टिक है, त्रिदोष नाशक है, अपने आप में एक बहुत अच्छी और यह दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त वातज कास की, जब खांसी वातज व्याधि की वजह से है, ऐसी खांसी जो रुक रुक करके हो रही है, लगातार हो रही है, नहीं रुक रही है, उस स्थिति में इस शतावर के जो पाउडर है उस पाउडर को यदि आप थोड़े पिपली का चूर्ण मिला करके काढ़ा बना करके आप पीते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी खांसी है, रुक रुक करके होने वाली खांसी, जो सूखी खांसी है, उसमें तुरंत इससे लाभ होता है और आपकी खांसी इससे ठीक हो जाती है।